तो स्टूडेंट्स, मैं बोल रहा था आपको कि आवर स्कूल स्टूडेंट्स हैज फेयर्ड वेरी वेल इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स वंस अगेन। उन सभी बच्चों को बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई जो वो इतने अच्छे रिजल्ट किए। हमारे स्कूल का नाम रोशन किया इन बच्चों ने। पिछले साल की तुलना में बहुत बेटर रिजल्ट हुआ है। सो वी ऑल टीचर्स आर वेरी प्राउड फॉर द क्लास 10th स्टूडेंट्स। वंस अगेन वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वेरी प्रीशियस फ्यूचर एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू वन एंड ऑल। तो स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग जैसे देख रहे थे फॉर, तो फॉर के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे कि आप बोर्ड में देख पाते हो या देख पा रहे हो कि चार प्रकार के यूसेज फॉर में है। तो फॉर में जो यूसेज है वो आप देख रहे हो दो साल। फर्स्ट इज शो डेस्टिनेशन, सेकेंड इज शो पर्पस, थर्ड इज शो प्रिपरेशन एंड फोर्थ इज शो एक्सटेंट ऑफ टाइम। तो ये चार प्रकार के जो है यूसेज फॉर के हैं। तो इन सब का एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो आप समझ सकते हो। शो डेस्टिनेशन का एग्जाम्पल हो सकता है कि ही इज गोइंग फॉर दिल्ली। शो पर्पस का इस्तेमाल इस तरह से हो सकता है, ही इज डिगिंग द लैंड फॉर कल्टिवेशन। तो ये हो गया पर्पस। और फॉर जो है प्रिपरेशन का बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल हो सकता है, ही इज वर्किंग हार्ड फॉर हिज एग्जामिनेशन, शी इज वर्किंग हार्ड फॉर हर एग्जामिनेशन। और शो एक्सटेंट ऑफ टाइम यानी समय सीमा बताने का जो है एग्जाम्पल हो सकता है, ही इज engaged for today, या ही इज engaged फॉर 2 hours। तो इस प्रकार से इन सभी का इस्तेमाल इस तरह से होता है। और का इस्तेमाल इन चार अलग अलग रीजन से होता है स्टूडेंट्स। डेस्टिनेशन शो करता है, पर्पस शो करता है, जो है प्रिपरेशन शो करता है, और समय सीमा, ठीक है, एक तरह से ड्यूरेशन ऑफ टाइम शो करता है, एक्सटेंट ऑफ टाइम फॉर शो करता है। तो स्टूडेंट्स, आपको यूसेज के रूप में जो मैं एग्जाम्पल्स जो मैं कुछ तो मैं लिख दे रहा हूँ, कुछ मैं वर्बली बोल रहा हूँ, जरूरत पड़े तो आप इस वीडियो को एक से ज्यादा बार देखना और फिर एग्जाम्पल्स को ठीक से समझने की कोशिश करना। और उम्मीद करता हूँ कई सारे बच्चों ने बुक्स भी खरीद ली है। इफ़ यू हैव परचेज द बुक्स सो देन सी द बुक्स, आप अपनी ग्रामर बुक्स अगर सब आप अगर हर सब्जेक्ट की बुक्स अपना बुक्स का बंच खरीद चुके हो तो आप ग्रामर बुक्स को बुक खोल करके देखो। जो प्रीपोजिशन चैप्टर आपका होगा उसमें देखो, हो सकता है कि कुछ प्रीपोजिशन मैंने एक्स्ट्रा लिखवा दिए हैं आपको, आपकी बुक में शायद कुछ प्रीपोजिशन दे दिए हुए ना भी मिले तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, कॉमन मिल जाएंगे। तो उनको उनके यूसेज को बेहतर समझने के लिए आप एग्जाम्पल्स बुक में भी देखो। और जो मैं वर्बली एग्जाम्पल दे रहा हूँ अगर वो लिखे हुए ना भी हो या लिखे हुए हो भी, उनको ठीक से समझो। नहीं समझ में आ रहा तो वीडियोज को दोबारा देखो। और एक बात, अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कहीं वीडियोस में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या मान लो आपको साउंड क्लैरिटी नहीं आ रही, या कोई भी प्रकार की दिक्कत हो रही है, तो आप इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल द टीचर्स और एवरी वेडनेसडे। हर बुधवार को आप टीचर को कॉल कर सकते हो। टीचर्स के नंबर आपको व्हाट्सएप ग्रुप के जो है पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में मिल जाएंगे। सारे के सारे टीचर्स ग्रुप एडमिन बने हुए हैं, वहाँ से उनका नंबर निकालो। वो सारे टीचर्स आपके ग्रुप से जुड़े हुए हैं जो आपको इस साल पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उन सभी टीचर्स के नंबर आपको वहाँ से मिल जाएंगे, वहाँ से नंबर लेकर के उन टीचर्स को अपने डाउट क्लियर करने के लिए आप कॉल कर सकते हो। याद रखना, वेडनेसडे का टाइम कॉल के लिए फिक्स किया गया है। अब जो है हम लोग अन्य दो प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे आज। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज सिंस। सिंस प्रीपोजिशन क्या है? इट इंडिकेट पॉइंट ऑफ टाइम। ये पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट करता है। इसका एक ही यूसेज है, वन एंड ओनली द इंपॉर्टेंट यूज और द कॉमन यूज इज, मेजर यूज इज, इट इंडिकेट पॉइंट ऑफ टाइम। इस समय का विशेष पॉइंट, शुरुआत किसी काम को करने का जो शुरुआती टाइम है, जो पॉइंट ऑफ टाइम है, एवोल्यूशन टाइम जो है, स्टार्टिंग टाइम जो है, वो इंडिकेट करता है सिंस। फॉर एग्जाम्पल देखो, ही इज रिसाइडिंग इन सकल बिहार, ठीक है, सिंस जून 2018, ठीक है। तो वो संगम बिहार में जून 2018 से रह रहा है, एक्चुअली मैं ही रह रहा हूँ,
So this is the usage of since. So since indicate the starting point of something. Okay. And last but not the least is of. Not the list इसलिए बोला क्योंकि इस list इस जो preposition मैंने 26 time में बताया पिछले तीन videos में, तो 26 से ज़्यादा भी prepositions हैं, पर फिलहाल आपके लिए उपयोगी लगभग 15 के आसपास prepositions थे. मैंने उनसे भी ज़्यादा 15 से भी ज़्यादा आपको 26 preposition के बारे में एडवांस में बता दिया. ये आपके क्लास 9 में भी काम आ जाएंगे, क्लास 10 में भी काम आ जाएंगे. ठीक है, तो देखो क्लास 7-6 सब में काम आ जाएंगे. तो अब हम लोग ऑफ के बारे में पढ़ते हैं. इट इंडिकेट कनेक्शन, इट इंडिकेट पार्टीशन, इट शो रीजन ऑफ कॉज एंड इट विथ मेजरमेंट डायरेक्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ टाइम. इन तीन चार अलग अलग पॉइंट्स में ऑफ का इस्तेमाल होता है. एक एक करके हम लोग ऑफ का इस्तेमाल समझते हैं स्टूडेंट्स. एग्जाम्पल्स के द्वारा हम एक एक करके ऑफ का इस्तेमाल अब समझने वाले हैं. अब आप ध्यान से सुनो एक एक एग्जाम्पल. द यूसेज ऑफ, पहला यूसेज है वो है इंडिकेट कनेक्शन. ये किसी चीज से किसी चीज का कनेक्शन है, रिलेशन. ठीक है, रिलेशन शो करता है. अब आप देखो कि राहुल इज द ब्रदर ऑफ रोहन. राहुल रोहन का ब्रदर है, तो राहुल के साथ रोहन का जो कनेक्शन है वो साबित किया या वो एस्टैब्लिश किया या वो क्रिएट किया द वर्ड ऑफ. तो ऑफ जो है दो व्यक्ति के बीच का या दो थिंग्स के बीच का या एक व्यक्ति और थिंग के बीच का कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है. सेकंड इज इट इंडिकेट पार्टीशन. ये किसी प्रकार के पार्टीशन को शो करता है. पार्टीशन मतलब किसी प्रकार का यू नो भाग करना, जिसको अलग अलग करना, ये शो करता है. और इट ऑल्सो शोज द रीजन और कॉज. रीजन या कॉज भी ऑब्वियसली ऑफ शो करता है. फॉर एग्जाम्पल ही इज बेड रिडन ऑफ पैरालिसिस. वो पैरालिसिस के कारण बेड रिडन है फॉर एग्जाम्पल. तो यहाँ पर ऑफ का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर रीजन या कॉज बताया गया. और एक आखिरी जो इसका इंपॉर्टेंट यूज है वो है विथ मेजरमेंट्स डायरेक्शन. ठीक है, एंड एक्सप्रेशन ऑफ टाइम. सो स्टूडेंट्स मेजरमेंट्स के लिए आप देख सकते हो दिस ड्रेस इज ऑफ 10 सेंटीमीटर. मेजरमेंट हो गया. अगर डायरेक्शन की बात करें द ट्री इज सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ दिस बिल्डिंग. ये डायरेक्शन की बात हो गई. और एक्सप्रेशन ऑफ टाइम की बात भी हो सकती है. तो इस तरह से ये सब कॉमन यूसेज है, इंडिकेट कनेक्शन, इंडिकेट पार्टीशन, सो कॉज या रीजन, और विद द यूज ऑफ विद द यूसेज इज ऑलवेज इंडिकेटेड विद द मेजरमेंट्स डायरेक्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ टाइम. सो स्टूडेंट्स आज के लिए ये वीडियो इतना ही. आज हमने 1 मिनट रिकैप करते हैं. Into, up, under, with, within, for, since, of. इन 8 प्रकार के प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ा. और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रीपोजिशंस पढ़ने के साथ साथ आज आपका प्रीपोजिशन चैप्टर कंप्लीट होता है. तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, ये 6 चैप्टर अब तक पढ़ लिए. अब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में 2 चैप्टर बचते हैं, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन. So from tomorrow onwards we will start a new chapter conjunction, and after completing it we will start the chapter interjection. Or conjunction or interjection chapter dono complete hone ke baad we may start your textbook. Theek hai, to aaj ke liye itna hi. Stay at home, stay safe. Thank you very much.